hello friends welcome to iExambi in this video we are going to cover the important MCQs of financial awareness right this is going to be helpful for your scale 1 scale 2 and scale 3 preparation right? so there is this financial awareness for scale 2 and scale 3 only but whatever GA is being asked in the J uh, uh, section of um, scale 1 right? so there also, all the MCQs, are let's say around 70 60 70 percent of the MCQs, are related with the uh, finance segment and uh, banking sector or, or only. So, this is, this video is going to be helpful for your scale 1, scale 2, and scale 3 preparation. Okay, eh? so let's get started. What is the difference between fiscal policy and monetary policy? Okay. फिजल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस बताना है और आपको अप्रोप्रिएट सेंट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है यहाँ से पिक करना है ठीक है इसका आंसर है सी सो बेसिकली फिजल पॉलिसी क्या होता है ये गवर्नमेंट हैंडल करती है फिजल पॉलिसी ऑल दी सेगमेंट्स विच आर रिलेटेड विथ योर टैक्सेशन है ना टैक्सेशन और मोबिले मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस है ना मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स ये सब चीज़ें जो है ये आपके फिजल पॉलिसी में आती है फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एल जी स्कीम लॉन्च की है ठीक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो ये स्कीम क्या है इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रही है बैंक एमएसएमएस को लोन नहीं दे रही थी गवर्नमेंट ने फिजल पॉलिसी इस तरह से ट्विक की कि अभी एमएसएमई uh, को क्रेडिट फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबल किया जा, जा रहा है इससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एमएसएमई का जो भी धंधा uh, धंधा था जो चौपट हो चुका था उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा धक्का दिया जाएगा ठीक है तो ये फिजल पॉलिसी जो है बेसिकली गवर्नमेंट हैंडल करती है और मॉनेटरी पॉलिसी जिससे कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रेगुलेट होता है वो काम है आपके आरबीआई का ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है फिजल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में यह आपको नोट uh, डाउन करना है आगे बढ़ते हैं आरबीआई गॉट अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट टू रिटेन इट्स टू टू सिक्स परसेंट इन्फ्लेशन टारगेट रेंज फॉर हाउ मेनी ईयर्स ठीक है रिसेंटली आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी परमिशन दे दी है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विद इन द फ्रेम विद इन द रेंज ऑफ टू टू सिक्स परसेंट और ये आगे के पांच साल चलेगा ठीक है तो आंसर हो गया आपका फाइव ईयर्स मतलब 21, 16 से 21 अभी तक था ठीक है अब 21 से 26 तक और परमिशन दे दी गई है तो अभी जो एंकर है मतलब आर का जो कुछ भी रेंज है इन्फ्लेशन का वो टू टू सिक्स परसेंट रहेगा ठीक है टू के नीचे नहीं आने देंगे वो इन्फ्लेशन सिक्स के ऊपर नहीं आने देंगे जाने देंगे लेकिन फिलहाल अभी इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि सी अभी एट दिस मोमेंट सिक्स पॉइंट वन परसेंट है ठीक है ये सीपीआई जो है मतलब इन्फ्लेशन एवरी मंथ ये सीपीआई इंडेक्स लॉन्च होता है ये कौन करता है आपका सी ठीक है सीपीआई लॉन्च करता है आपका सी है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है ये क्या पूछ सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं रिसेंटली और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये टू टू सिक्स परसेंट से रिलेटेड है जो आपको आ, शायद पूछ लें तो, जो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सीपीआई एंकर होना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का इंडिया में और वो उसका जो रेंज है वो टू से सिक्स परसेंट होना चाहिए ठीक है तो ये उर्जित पटेल कमेटी का काम है जो जिन्होंने ये रेंज जो है वो डिसाइड किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल वॉज इन न्यूज इट इज अमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथॉरिटी ये इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल किसने अमेंड किया है रिसेंटली ये अमेंड किया है आपके आर बी आई ने ठीक है अभी बेसिकली क्या है ना ये आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कंट्री में ठीक है तो ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है आपके एवरी टू मंथ्स ठीक है हर दो महीने में एक बार होगी तो हर दो महीने में एक बार इनको इन्फ्लेशन के जो आंकड़े है वो मिलते रहने चाहिए वैसे मंथली डाटा तो आता ही है सी पी का लेकिन ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का, का काम रेगुलरली दो महीने चल, चलते रहता है तो फिर इसके बाद वो मीटिंग में डिसाइड करते हैं पॉलिसी रेट कम करना है या ज्यादा करना है ठीक है तो इन्फ्लेशन का फोर फोरकास्टिंग जो है एक्यूरेटली होना चाहिए इसके लिए इनका पहले कुछ मॉडल था लेकिन अब वो मॉडल इन्होंने अमेंड किया है तो अमेंड करके ये मॉडल इन्होंने तीन भाग तीन टुकड़ों में तोड़ दिया है फर्स्ट है इनका फिजल ब्लॉक जिसमें आता है आपके गवर्नमेंट गवर्नमेंट uh, के प्राइमरी डिफिजिट और उसका स्ट्रक्चरल और साइकोलिकल कॉम्पोनेंट सेकंड सेकंड पार्ट है फ्यूजल ब्लॉक थर्ड थर्ड ब्लॉक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला ब्लॉक ठीक है तो ये तीन ब्लॉक आपको नोट uh, डाउन करने हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली नेशनल हाउसिंग बैंक ये एन बोले तो नेशनल हाउसिंग बैंक है लॉन्च स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी टू सपोर्ट हाउसिंग सेक्टर वॉट इज दाइनेंशियल अलोकेशन अंडर दिस इनिशिएटिव तो इसके अंडर जो फाइनेंशियल अलोकेशन है वो है दस हजार ठीक है एनएचबी जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक उसका काम है टू ऑपरेट एज प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ठीक है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब घर के लिए जो भी घर के मेंटेनेंस के लिए या फिर घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वन ऑफ दी मोस्ट प्रेस्टीजियस हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में है आपकी HDFC ठीक है HDFC का नाम ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है तो रिसेंटली कोरोना के चलते क्या है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है रिटेल सेक्टर मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बैडली हिट हुआ है तो अभी कॉन्ट्रैक्टर के पास जो बिल्डर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है ये काम शुरू करने के लिए जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो अभी स्टॉल्ड हो गए हैं इसकी वजह से आर ने एन को टेन थाउजेंड करोड़ का एक फाइनेंशियल प्रोविजन करके दिया है तो वो ये ये दस हजार करोड़ जो है ये एन आगे प्रोवाइड करेगी ठीक है तो इससे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको थोड़ा आ, फायदा मिलेगा तो ये दस हजार करोड़ रुपए जो है ये आपको ध्यान में रखना है और मैं ये पीछे की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम को अभी अराउंड फोर मंथ्स टाइम है ठीक है अक्टूबर में होगा आपका तो अराउंड चार से पांच महीना आपको टाइम है तो अगर ये स्टोरी के फॉर्म में अगर आप एम ध्यान में रख रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके ध्यान में रहेगा उसको वो यूजफुल होगा है ना और कंसेप्ट कंसेप्ट के साथ हम अगर पढ़ते हैं तो वो ऑलवेज बेटर है ठीक है इसके लिए हम ये सब चीजें देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं ईवा ईवा का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैंकिंग चैट ये किसने लॉन्च किया है ठीक है ये लॉन्च किया है आपके एच डी एफ सी बैंक ने है ना एच डी एफ सी बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई ठीक है एक्सिस बैंक भी आपका है मुंबई में हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा है वडोदरा में हेडक्वार्टर आईसीआईसीआई बैंक का रजिस्टर ऑफिस भी है आपका वडोदरा में और इंडस्ट्रीन बैंक है आपके पुणे में ठीक है हेडक्वार्टर्स बहुत बार पूछ लेते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में तो ये आपको ध्यान में रखना है है ना और ये EVA बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव uh, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग में तो ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इंपॉर्टेंट है आपने नोट करके रखना है ठीक है रिसेंटली एडीबी एडीबी है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फोर फोर मिलियन डॉलर लोन टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ठीक है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये है आपका मनीला में फिलीपाइन ठीक है मनीला फिलीपाइन और एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो सिर्फ एशिया के लोग इसके मेंबर हो गए ऐसा नहीं है बाकी लोग ए, आउट ऑफ एशिया भी इसके मेंबर्स हैं ठीक है तो ये लोन दिया गया है आपके चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ठीक है जब भी कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है वो वो जो चीज़ है फाइनेंशियल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है है ना बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं या तो ये अमाउंट पूछेंगे या फिर ए किसने फाइनेंस किया पूछेंगे एडी भी होगा आंसर या फिर पर्पज क्या फाइनेंस करने का तो चेन्नई कुमा, कुमार कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये डेवलप करना है ठीक है तो ये है आपका तमिलनाडु का मैप यहाँ है आपका चेन्नई ये है चेन्नई ये है आपका कन्याकुमारी नीचे सदन टिप ठीक है तो ये जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये इसका कॉस्ट है आपका साढ़े छह हजार करोड़ है ना और लगभग फिफ्टी परसेंट होता है आपका फोर एटी फोर मिलियन लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया होता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है तो ये इतना जो पैसा है एडी प्रोवाइड करेगा इसकी डेवलपमेंट ठीक है इसका टोटल लेंथ है सिक्स किलोमीटर लिंकिंग सिक्स इंडस्ट्रियल नोड इंडस्ट्रियल नोड मतलब इंडस्ट्रियल हब्स जैसे मान लो महाराष्ट्र में पुणे मुंबई इंडस्ट्रियल हब है है ना? वैसे ही तमिलनाडु के जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल हब्स हैं तो वो छह हब्स ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये कवर करेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एंटिटी हैज लॉन्च क्लाउड बेस्ड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिसेंटली हुआ है क्लाउड बेस्ड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम तो ये किसने किया है ये आपको बताना है आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है ये बेसिकली क्या है क्लाउड बेस्ड डाटा डाटा रिपोजिटरी सिस्टम बेसिकली एनएसई ने क्या एनएसई ने क्या क्या, क्या है किया है जो भी इनका प्रायर पास्ट ईयरस का जो भी फाइनेंशियल डाटा था ठीक है स्टॉक से रिलेटेड कि कौन सा स्टॉक किसने खरीदा फिर uh, उनकी इनकम लेवल क्या थी है ना ये इन सब ये डाटा एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है जो भी रिसर्च करती है फाइनेंस सेगमेंट में है ना रिसर्चर्स को कौन सी कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ कौन से सेक्टर में हुआ ऑटो ऑटो इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो की या फार्मा सेक्टर ने ज्यादा ग्रो किया ये सब जो डाटा है वो रिसर्चर्स के काम आता है फाइनेंस सेगमेंट में तो ये पूरा डाटा एक जगह पे लाया है एन ने ठीक है और इसका एक्सेस दे दिया रिसर्चर्स को ठीक है तो ये काम की चीज है रिसर्चर्स के स्टूडेंट्स के काम में आएगा ये ठीक है तो ये इनिशिएटिव किसका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आपके जो सीईओ है एम डी एन वो है विक्रम लीमय विक्रम लीमय ठीक है आगे बढ़ते हैं हाउ मच डिड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू यू एन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म ठीक है यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म आगे बढ़ते हैं ये है आपका पांच लाख डॉलर फाइनेंस का मतलब ही ये है कि टू रेज मनी है ना फाइनेंस का जो भी डोमेन है फाइनेंस का स्टडी ही इससे डिपेंडेंट है फाइनेंस मतलब टू रेज मनी तो जिसके लिए भी चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप मनी रेज करो डेवलपमेंट uh, प्रोजेक्ट के लिए मनी रेज करो है ना कुछ काउंटर uh, टेररिज्म के लिए मनी रेज करो तो वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो इसी वजह से ये एमसीक्यू मैंने यहाँ पे डाला है ये है यूएस डॉलर पांच लाख ठीक है आगे बढ़ते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये है आपके आई एम एफ से रिलेटेड का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में ठीक है ये वर्ल्ड बैंक भी वहीं पे है वॉशिंगटन डी सी डब्ल्यू टी ओ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है राइट दिस इन कमेंट सेक्शन एडीवी मनीला है ये मैंने अभी बताया आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली ड्यूश बैंक ड्यूश बैंक जो है ये जर्मन बैंक है ठीक है ड्यूश बैंक हैज एंटर्ड इनटू पैक्ट विथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन फॉर ग्रांटिंग अ लोन ऑफ सिक्स हंड्रेड करोर आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एनसीडीसी ठीक है ये न्यूज़ में था 600 करोड़ इनको फाइनेंस किया है करके तो नेशनल कोऑपरेटिव कौपरे, डेवलपमेंट कारपोरेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और कोरोना में एक ही सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड किया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है अराउंड थ्री ये लास्ट ईयर ग्रो किया था है ना बाकी सभी सेक्टर निगेटिव ग्रोथ दिखा रहे थे बट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा आ, मतलब एनालाइज होगा कि ये चारों ऑप्शन लगभग एक ही दिशा में चल रहे हैं ठीक है तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव ये सभी ऑप्शन या तो रूरल डेवलपमेंट दिखा रहे हैं या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शो कर रहे हैं ना तो ये सभी जो है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम है ठीक है एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस आए जो जो कि आपको मतलब आ, कोहरन दिख रहे हैं ठीक है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं चारों ऑप्शन तो उसका उसका आंसर ऑल ऑफ द अब होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है अगर इनमें से कोई ऑडमैन आउट होता तो आपको पूछ लेते कि विच ऑफ द आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट है ना तो जो ऑड स्टेटमेंट होता वो आपका आंसर होता तो ये एलिमिनेशन टेक्निक है ये आपने अडॉप्ट करनी चाहिए इससे गलतियां कम होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द बाय एन्युअल पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है आपका आईएमएफ और ये साल में दो बार आएगा ठीक है टू इयर्स सॉरी टू टाइम्स ईयर ठीक है यहाँ पे ये दो नए इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहे ए आई और एनडीबी है ना ये एनडीबी जो है ये आपका ब्रिक्स बैंक है इसको ब्रिक्स बैंक बैंक भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिक्स ने लॉन्च किया है ठीक है तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है आपका शंघाई में ठीक है चाइना में ही है शंघाई में ए आई आई बी जो है वो आपका है बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है ये है आपका बीजिंग में ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है ए और एनडीबी में है ना तो ये आप नोट डाउन कर लो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल आता है और ये पब्लिश होता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से ठीक है वर्ल्ड बैंक इस साल का जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसका थीम पूछा है उसका थीम है आपका डाटा फॉर बेटर लाइव ठीक है और ये बाकी जो ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं रीबिल्ड री इमेजिन रिक्रिएट ये है थीम आपकी एनवायरमेंट डे की ठीक है एनवायरमेंट डे होता है आपका फिफ्थ ऑफ जून फिर यूनाइटेड बाय इमोशन ये मोटो है मोटो मोटो है आपका ओलंपिक का ओलंपिक 2020 में होने वाला था लेकिन उसको कोरोना की वजह से शिफ्ट किया तो वो 2020 उसको बोल रहे लेकिन हो रहा है वो 2021 में और ये हो रहा है आपके टोक्यो में ठीक है टोक्यो में हो रहा है बिल्ड बैक बेटर ये आपका अभी जी सेवन का एक समिट हुआ था ना उसका थीम है बिल्ड बैक बेटर जी सेवन प्रीपेरिंग फॉर ब्रिक्स का अभी साइंस समिट हुआ था रिसेंटली ब्रिक्स का साइंस समिट हुआ था उसका थीम है प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स तो ये सभी इंपॉर्टेंट है कुछ भी पूछ सकते हैं आई वाले है ना तो ये आपको नोट डाउन करना है जितना ज्यादा कवरेज होगा उतना आपका मतलब क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है तो इस हिसाब से पढ़ना है आगे बढ़ते हैं एफ एस डीसी इंस्ट्रूमेंटल टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मेकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये एफ एस डी सी का नाम ही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है तो एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन ये भी इनका एक काम है इट इज बींग हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ठीक है ये एफ एस डी सी की जो मीटिंग है इनका काम है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन तो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन है तो सभी रेगुलेटर्स जो है इंडिया के रेगुलेटर कौन है आरबीआई है आरबीआई क्या रेगुलेट करता है बैंक कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक सभी बैंक है ना आर आर बी छोड़ के आर आरबी का सुपरविजन नाबार्ड के पास है ठीक है तो आरबीआई uh, एक सुपर रेगुलेटर uh, हो गया दूसरा से रेगुलेटर है आपका सेबी है ना ये आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेट करेगा फिर है आपका आई आर डी ए आई ये आपका इंश्योरेंस एक रेगुलेटर uh, हो गया फिर पी एफ आर डी ए है ना तो ये सभी रेगुलेटर जो है इस कमेटी का पार्ट होते हैं एक्स ऑफिशियो मतलब मेंबर्स होंगे ये ठीक है तो इन सभी के साथ डिस्कस करते करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है तो इसका चेयरमैन कौन होता है इसका चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है ये इंपॉर्टेंट है एफ का रिसेंटली मीटिंग हुआ है तो उसकी वजह से ये एफ काफी न्यूज में है तो फाइनेंस मिनिस्टर इनके चेयरमैन होते हैं ये नोट नोट करके रखना है ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है कौन पब्लिश करता है ठीक है ये पब्लिश होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स का आपका बेस ईयर है 2011-12 ठीक है सीपीआई का भी सेम है सीपीआई का भी बेस ईयर यही ये है ठीक है लेकिन सीपीआई आपका कौन लॉन्च करता है सी और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है डब्ल्यू पी ये लॉन्च करेगा आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है चीफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है कमेंट सेक्शन में लिखना है पहले भी एक असाइनमेंट दिया था मैंने आपको उसमें आपको डब्ल्यू और यूएन के हेड क्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताने हैं ठीक है और अभी ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट मतलब डेटा है डब्ल्यू से रिलेटेड ये अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में ठीक है डब्ल्यू में तीन मेजर कॉम्पोनेंट है एक तो है मैनुफेक्चर प्रोडक्ट्स फिर है फ्यूल एंड पावर तीसरा है पार्टिकल प्राइमरी आर्टिकल ठीक है तो इनमें से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का जो वेटेज वो डब्ल्यू में बहुत ज्यादा है अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट सेकंड नंबर पे आता है आपका प्राइमरी आर्टिकल और थर्ड नंबर पे आता है फ्यूल एंड पावर तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को है और फिर प्राइमरी आर्टिकल्स को है है ना तो ये नोट डाउन करना है इससे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो ये एग्जाम में काम आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ एल LIC बहुत ज्यादा न्यूज है न्यूज में है इस साल बजट में भी ये बोला गया था कि इस पर इसका आई लॉन्च करेंगे है ना तो एल से रिलेटेड जो भी न्यूज में आता है वो आपको ध्यान में रखना है वो करंट अफेयर का पार्ट है तो एल के चेयरमैन कौन है वो है आपके एम कुमार ठीक है और ये जो बाकी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी जून फर्स्ट वीक में हुई थी उसके मेंबर है ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टोटल छः मेंबर होते हैं ठीक है थ्री प्लस थ्री ये थ्री जो है ये आरबीआई से होंगे ठीक है आरबीआई का पार्ट है मतलब आरबीआई में बड़े बड़े ऑफिसर आर के और ये जो तीन होंगे ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ठीक है जो भी इकोनॉमिस्ट है बैंकिंग अवर्नेस के जो भी दिग्गज लोग हैं उन, उनका अपॉइंटमेंट होगा ठीक है तो आर के कौन लोग होते हैं आर में आर गवर्नर है एक आर बी आई गवर्नर है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ठीक है ये जो दिख रहे हैं आप एम डी पात्रा साहब और मिस्टर एम के सक्गर ये आर बी आई से है एम के सक्गर ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एम डी पात्रा जो है डेप्यूटी गवर्नर ठीक है और आर बी आई के गवर्नर कौन है शक्तिकांता दास वो भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के आ, मेंबर होते हैं ठीक है वो तो चेयरमैन ही होते हैं गवर्नर और शशांक भिड़े आशिमा गोयल ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है ये दो हो गए प्लस एक जो है वो आपके जयंत वर्मा है ठीक है जयंत वर्मा ठीक है मॉडरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर आपको पता होने चाहिए आगे बढ़ते हैं एल आई सी द इंश्योरेंस जायंट हैज शॉर्ट अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एज मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स पेमेंट शिफ्ट टू डिजिटल मोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैडल इट्स डिजिटल पेमेंट तो इनमें से कौन अभी एल का डिजिटल पेमेंट हैंडल करेगा वो है आपका पेटीएम पेटीएम आपका पेमेंट बैंक है है ना और पेमेंट बैंक में लास्ट लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था कि पेमेंट बैंक, बैंक का जो सेविंग डिपॉजिट का जो लिमिट है वो अभी आरबीआई ने बढ़ा दिया है ठीक है पहले था कितना पहले था एक लाख अब कर दिया है वो दो लाख मतलब दो लाख से ज्यादा डिपॉजिट ए, पेमेंट बैंक नहीं ले सकते ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आगे बढ़ते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत चर्चा में है इस बार है ना इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है तो ये इस स्कीम के अंडर जो ट्वेंटी सिक्स सेक्टर्स है वो कवर्ड है ये ट्वेंटी सिक्स सेक्टर्स किन्होंने आइडेंटिफाई किए थे ये आइडेंटिफाई किए थे कामत कमेटी ने देखिए मतलब क्वेश्चन में भी बहुत सारे अलग 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 एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं है ना तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन से भी आपके एमसीयू निकल कर आ सकते हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है वो इस क्वेश्चन में पूछा है ठीक है फाइनेंशियल एलोकेशन है ईसीएल जीएस का तीन लाख करोड़ ठीक है ये ईसीएलजी एस स्कीम क्या है बेसिकली बेसिकलीसीएल अभी कोरोना के बाद क्या है एम ई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ठीक है छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है उनको बड़ा नुकसान हुआ है तो उनके पास अभी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल खरीदना है लेबर के पेमेंट्स है कुछ उनको बिल देना है है ना वो उसका पैसा नहीं है एमएसएमई के पास तो उनको फिर फाइनेंशियल क्रेडिट भी नहीं दे रही है बैंक क्यों नहीं दे रही है क्योंकि मतलब रिस्क है ना एमएसएमई बिजनेस कर रही है उनका जब रेवेन्यू होगा तब उनके पास पैसा आएगा अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा वापस ई का और मार्केट में डिमांड कम है कोरोना की वजह से डिमांड कम है इसलिए इकोनॉमी ठीक से ग्रो नहीं हो रही है है ना तो एमएसएमई को जो भी लोन दिए जाएंगे उसके चांसेस है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाए ठीक है इसकी वजह से बैंक्स इनको लोन नहीं दे रही थी एमएसएमई को या फिर दूसरे जो कॉटेज इंडस्ट्री है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से है लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या फिजल पॉलिसी अपनाई कि हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तीन लाख करोड़ तक के जो भी लोन बैंक्स डिसबर्स करेगी उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी ठीक है जो पैसा वापस लाने की गारंटी किसकी है गवर्नमेंट की है तो इस स्कीम के थ्रू तीन लाख करोड़ के जो लोन जो है वो बांटे गए हैं एमएसएमएस को ठीक है तो ये चीज है ये कंसेप्ट है इस स्कीम के पीछे ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है अब ये इसके थ्रू इससे लिंक और एक क्वेश्चन है ठीक है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच विल फैसिलिटेट द गारंटी अंडर इसीएल जीएस अब गवर्नमेंट सीधा सीधे तौर पे गारंटी नहीं देती है गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि ये गारंटी लेने का पूरा काम करेगी है ना अगर किसी ने लोन नहीं दिया तो फिर उसको फॉलोअप लेके उसका रिस्ट्रक्चर लोन रिस्ट्रक्चर करके उसको कैसे भी हेल्प करके वो लोन रिपे होना चाहिए इसका ख्याल रखेगी उसके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है ठीक है तो वो है आपकी एनसीजी टी एन सी है ना इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है तो ये हो गया आपका फोर्थ असाइनमेंट है ना पहला था आपको डब्ल्यूटीओ का और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बताना है दूसरा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है वो बताना है फिर एनसीजी क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म भी बताना है आप जब इसका लॉन्ग फॉर्म पढ़ोगे तो एनसीजीटीसी क्या है वो भी पढ़ने को आपको मिलेगा और वो आपके काम में आएगा ठीक है तो इसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है Amazon launched venture fund Indian startups. फॉर इंडियन स्टार्टअप ठीक है ये वेंचर फंड क्या होता है वेंचर फंड मतलब जो कुछ भी नए एम एस एम एज मतलब नए एंटरप्रेनर्स हैं उनको कैपिटल चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है ना तो ये कैपिटल उनके पास नहीं होता है जनरली तो कैपिटल कहाँ से लेंगे एक तो बैंक से लेंगे या फिर वेंचर फंड से लेंगे ये फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो लोन प्रोवाइड करता है नए बिजनेसेस को है ना नए एंटरप्रेनर्स को तो उसको बोलेंगे ये वेंचर फंड तो ये ऐसा नए एंटरप्रेनर्स को लोन देने के लिए एक वेंचर फंड लॉन्च किया है किसने अमेजॉन ने तो इसका अमाउंट क्या है इसका अमाउंट है 250 मिलियन डॉलर ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है 250 मिलियन डॉलर तो यहाँ पे हमारे हमारा जो सेशन है वो स, आ, समाप्त होता है आपको अगर कंटेंट पसंद आता है अगर एमसीक्यूज का क्वालिटी आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है सबसे uh, बहुत कम व्यूज आ रही है इस सेशंस को अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम ये सीरीज शुरू कर पाएंगे और आगे कंटिन्यू uh, कर पाएंगे है ना और हमारे आई बी पी के कोर्सेज शुरू है स्केल वन का भी शुरू है स्केल टू और स्केल थ्री के भी शुरू है ठीक है आप एनरोल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं ठीक है ठीके? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सेफ रहिए ठीक है थैंक यू